बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती ने मंगलवार को एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी पर ट्वीट के जरिए जोरदार हमला करते हुए कहा कि उनकी नैया डूब रही है और आरएसएस ने भी उनका साथ छोड़ दिया है। वहीं बलिया में सपा बसपा गठबंधन की रैली में कहा गया है कि 23 मई से भाजपा नरेंद्र मोदी, भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। किसी पार्टी का कोई उम्मीदवार अगर प्रतिबंध के दौरान मंदिरों में पूजा पाठ करता है तो उसे मीडिया में दिखाने पर भी रोक होनी चाहिए। मायावती ने मंगलवार को ट्वीट किया कि देश में अब तक कई नेता को जनता बरगलाने के लिए सेवक, मुख्य सेवक, चायवाला, चौकीदार के रूप में देखा गया है। अब देश को संविधान की सही कल्याणकारी मंशा के साथ चलने वाला शुद्ध पीएम चाहिए। जनता ने बहुरूपियों से बहुत धोखा खा लिया और अब आगे धोखा खाने वाली नहीं है। वहीं उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के बिल्था रोड क्षेत्र के ककरारी गांव में महागठबंधन की संयुक्त रैली में मायावती ने कहा कि 23 मई से भाजपा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व भाजपा अध्यक्ष अमित शाह के बुरे दिन शुरू हो जाएंगे तथा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मत जाने की तैयारी शुरू हो जाएगी। भाजपा के पुर्जे अभी से ढीले पड़ गए हैं। भाजपा की नाटकबाजी और जुमलेबाजी अब काम नहीं आएगी। चुनावी सभाओं में हालत बहुत खराब दिखाई देने के बाद भाजपा खिसकानी बिल्ली खंबा नोचे की कहावत को चिरथार्थ कर सपा बसपा गठबंधन को लेकर अनाप शनाप बयानबाजी कर रही है। भाजपा निचले स्तर पर उतर गई है। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।